सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। महाराज जी, इस संकट की घड़ी में नेक लोगों द्वारा जरूरतमंद लोगों की जो सहायता का सिलसिला है लगातार जारी है, आप अपने मुखारविंद से किस तरीके से नेक लोगों को आशीर्वाद देना चाहेंगे? जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता होनी चाहिए और ये हम लोगों के यहाँ नारायण का रूप माना गया है, इसको हम लोग दरिद्र नारायण के रूप में स्वीकार करते हैं और पूजा करते हैं। तो नारायण की जिस तरह से हम पूजा करते हैं, हमारे जो गरीब भाई हैं जिनको आवश्यकता है वस्तु की, सामग्री की, तो ये हमारे जो सोशल वर्कर जितने हैं ये जो सामग्री बांट रहे हैं, किशन द्विवेदी जैसे लोग, ऐसे लोग समाज में निकल कर के बाहर आ रहे हैं और ये सामग्री का वितरण कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये निश्चित रूप से हमारे पास जो सामग्री है उसमें उन लोगों का हिस्सा है और वो अपना हिस्सा लेने आ रहे हैं, और सच्ची बात तो यह है कि वो लोग लेने आ रहे हैं तो हमको, हम उनसे उपकृत हो रहे हैं, वो हमसे उपकृत नहीं हो रहे, वो हम उनसे उपकृत हो रहे हैं। मैं एक छोटा सा प्रसंग बताऊंगा रहीमदास जी का। रहीमदास जी नित्य दान किया करते थे और दान करते समय उनकी दृष्टि नीची रहती थी। किसी ने प्रश्न किया कि जब आप इतना सामग्री बांटते हो तो आपकी दृष्टि नीचे क्यों रहती है? तो रहीमदास जी ने कहा कि देन हार कोई और है, देत रहत दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें तासों नीचे नैन। ये हम तो जैसे हमारे साहब हैं, बी एस एस साहब हैं, किशन दुबे जी हैं और लोग हैं, हमारे पांडे जी हैं, ये सब लोग जो सामग्री का वितरण कर रहे हैं, सच्ची बात तो ये है कि ये सब लोग पोस्टमैन हैं, परमात्मा ने इनको दिया है और ये आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये सब कुछ परमात्मा का है और परमात्मा का रूप एक दरिद्र नारायण का रूप है। पर ऐसे में ये जो कोरोना वायरस हमारे राष्ट्र में आया है, निश्चित रूप से ये कोरोना वायरस एक अभिशाप है, ये शीघ्र ही हमारे राष्ट्र से खत्म होना चाहिए, लेकिन जब तक अभिशाप के रूप में हमें प्राप्त है तब तक हम अपने गरीब भाइयों की सेवा करें, वो साक्षात परमात्मा की सेवा। लगातार अनेक कार्य आपका जारी है, आज इसी श्रृंखला में आपने आश्रम में आकर, मजनंदन आश्रम में आकर जरूरतमंद लोगों को खास सामग्री वितरित की है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज तो मेरे लिए निश्चित रूप से विशेष दिन है। प्रथम दिन से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन घोषित किया था तभी से हमारा श्याम सदन परिवार और हमारे सभी साथी दृढ़ संकल्पित थे। उसमें आदरणीय हमारे जिले के बहुत होनहार और शानदार अधिकारी बी एस ए साहब, बड़े भाई पांडे जी, श्रद्धेय गुरुदेव हमारे बीच में है। मेरे लिए इससे बड़ा दिन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैंने कई बार अपने पत्रकार साथियों को ये बताया कि ईश्वर की कृपा के बिना, गुरुदेव की आशीर्वाद के बिना तो ये सब संभव ही नहीं था। तीसरा चरण आज प्रारंभ हुआ है और मैं ये बात कह सकता हूँ, पूरे दृढ़ संकल्प से कह सकता हूँ कि जो बात मैंने शुरू में कही थी कि लॉकडाउन तीन चरण में हो या चार चरण में, ईश्वर अगर जितनी क्षमता ईश्वर ने दी है, श्रद्धेय गुरुदेव का जितना आशीर्वाद हमें प्राप्त है, उस आशीर्वाद के चलते हम लॉकडाउन के अंतिम दिन अंतिम पल तक सेवा कार्य जारी रखेंगे। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम किसी की मदद कर सकें। श्रद्धेय गुरुदेव ने अपने वचनों में ये स्पष्ट किया, मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज उनके करकमलों से जो वितरण हुआ मैं उसका हिस्सा बना, उनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ। आदरणीय बड़े भाई संजीव वैद्य जी, परम श्रद्धेय गया प्रसाद दादा, सभी लोग, आश्रम के सभी सम्मानित लोग हम लोगों के मौजूद रहे, साथ मौजूद रहे, इन सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और पुनः इस बात को स्पष्ट करता हूं कि जिस जिले में जनसेवकों के अलावा अधिकारी, मैं विशेष तौर पर बीएसए साहब की इसलिए तारीफ करना चाहूंगा कि मैंने इनके कार्यशैली को 3 साल से देखा है, बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं, आदरणीय पांडे जी हैं, बड़े भाई हैं, आप विद्यालय के प्रबंधक भी हैं, मैनपुरी जनपद के सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, हमारी मातृभूमि के सभी व्यक्ति निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। हमारी मैनपुरी जनपद आज जिस समय पत्रकार साथी बात कर रहे हैं उस समय एक भी कोरोना पॉजिटिव हमारे यहाँ नहीं है। मैं इसके लिए विशेष तौर पर हमारे बहुत कर्मठ जिलाधिकारी आदरणीय
महेंद्र बहादुर सिंह जी का, और बहुत तेज तर्रार कार्यशैली वाले पुलिस अधीक्षक दोनों अधिकारियों के साथ सभी अधिकारियों को और हमारे सभी सम्मानित कोरोना योद्धाओं को दिल से आभार व्यक्त करते हैं। श्रद्धेय गुरुदेव की तरफ से, आदरणीय बीएसए साहब की तरफ से, पांडे जी की तरफ से, गया प्रसाद दुबे जी की तरफ से, संजीव वैद्य जी की तरफ से, सभी की तरफ से जनपद वासियों को बहुत बहुत इस बात की शुभकामनाएं कि आज हम कोरोना मुक्त हैं। लेकिन मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि ये बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत निश्चिंत ना हो जाएं, लगातार सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहें, लेकिन फिजिकल डिस्टेंस रखें, मन से दूरी किसी भी कीमत पर, कोई भी ऐसी बात जिससे किसी के दिल को चोट पहुंचे, किसी के दिल की भावनाएं आहत हों, ऐसी कोई बात कभी ना कहें। मैंने श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में यही सीखा है और मैं इस बात को आपके द्वारा ये अपील करना चाहता हूं कि सामाजिक दूरी जरूर बनाए रखें, लेकिन किसी के मन को आहत करने वाली बात कोई भी व्यक्ति ना करे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।